हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाखा जमदग्नी। तो मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग करने, और मैं किसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैंने बाहर जाने से पहले ही मास्क पहन लिया है, क्योंकि कोरोना का इतना ज़्यादा डर है कि मास्क सबसे पहले याद आता है। तो मैंने मास्क पहले ही पहन लिया, और एवी ने मेरे गले का इतना टाइट पकड़ रखा है कि छोड़ ही नहीं रही, और कैमरे को बहुत ध्यान से देख रही है। अब हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं, और ये अब भी कैमरे को बहुत ध्यान से देख रही है, पूरा फोकस उसका कैमरे पे ही है। एवी बेटी, क्या देख रहे हो आप? आपका पूरा फोकस कैमरे पे है, बात कर लो। हेलो बोलो, से हाय हाय बोलो। एवी एवी वैसे हाँ बोलती है, हाँ हूँ ऐसे करके बोलती है, लेकिन अभी वो बस देखे जा रही है, देखे जा रही है, और बिल्कुल शांत से बैठी हुई है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही हो। ये बाइक ना, बाइक के टंकी के ऊपर का पानी आया था इसमें। ये आपस में ही बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस बात चल रही है। तो मैं और अभी पीछे बैठ के बोर हो रहे हैं, अभी क्या बोर हो रही है, मैं ही बोर हो रही हूँ, और मैं उससे बातें कर रही हूँ, बस वो मेरी सुन रही है, और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही। तो छोटी सी बच्ची है, वो क्या रिएक्ट करेगी, बातें कर रही हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं सेक्टर 17, रोहिणी सेक्टर 17 में, जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। और जैसे कि सबको पता है कि 8 बजे तक सारी शॉप बंद हो जाती है, और अभी 7 बज चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हमें 1 घंटे के अंदर शॉपिंग करनी है। और जिस चीज़ की शॉपिंग करनी है उसकी शॉप भी बहुत ही कम है, तो देखो मुझे नहीं लगता मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। मैं देखती हूँ कि मिल जाए, वैसे हम देखते हुए जा रहे हैं कहीं बाहर ही कोई दुकान हो उस चीज़ की, तो अभी देखो मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पे हमें। मुझे एवी को वैसे नहीं ले आना चाहिए था मार्केट में, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना का टाइम है, और छोटे बच्चे के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आना भी ज़रूरी था, और घर में कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं एवी को छोड़ सकती, इसलिए मैं एवी को लेके आई, और मैं उसको बहुत सेफली उसको बाहर लेके आऊँगी जब गाड़ी से नीचे उतरूँगी तो। और जैसे कि मैं अब मार्केट में पहुँच चुकी हूँ, मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और ये लोग भी बोल रहे हैं कि अपना फ़ोन बचा के रखना, कोई छीन ना ले। और ये लोग आगे आगे चले जा रहे हैं, और बार बार मुड़ के मुझे पीछे देख रहे हैं, और मैं आराम आराम से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी को भी ले रखा है, और बारिश भी हो रखी है, तो मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ। 8 बजने वाले हैं, फिर भी इस मार्केट में अभी बहुत भीड़ है। वैसे ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, और लड़कों के लिए भी, जैसे ऐसे में आपको टॉप्स वगैरह मिलते हैं, जीन्स वगैरह वैसे यहाँ पर मिल जाते हैं आपको उसी प्राइस में। तो अब हम उस शॉप पर आ गए हैं जहाँ से हमें कपड़े लेने हैं, और यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि हम क्या लेने आए हैं यहाँ पे। तो मेरे देवर की इंगेजमेंट है, हम उनके लिए कोट पैंट लेने आए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनको ये फिट आएगा नहीं आएगा ये साइज़, और अभी तक उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है एक भी इसमें से, जो उनको कलर चाहिए वो इनके पास नहीं है। तो देखते हैं कि ये लेते हैं या नहीं लेते हैं। और अभी भी शॉपिंग कराने आई है अपने चाचू की, वो भी देख रही है कि चाचू के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और हम दूसरी शॉप पे भी आए, और यहाँ भी उनके पास उस कलर में
कोट पैंट नहीं है, तो 8 भी बज चुके हैं। आप मुझे नहीं लगता कि हमें अब मिलेगा कोट पैंट, तो घर जाना ही पड़ेगा। कल देखते हैं कि अगर कल मिलता है तो कर लेंगे, नहीं तो किसी और मार्केट से लेना पड़ेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।